हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है 12th अगस्त और 13th अगस्त को, यानी कल को मेरा बर्थडे है। तो मैं मेक श्योर हूँ कि मेरे को कल कुछ ना कुछ तो सरप्राइज़ मिलेगा ज़रूर। सो मैंने सोचा बर्थडे है तो थोड़ा सा व्लॉग शूट ही कर लेते हैं। और अभी नीचे बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए मैं अपने ऊपर छत पर आया हूँ व्लॉग शूट करने के लिए। यहाँ से व्यू देखो, पूरे में ग्रीन ही ग्रीन है, बहुत अच्छा। और यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है। यहाँ पे अभी घर नहीं है, बहुत कम घर है यहाँ पे, इसलिए चारों ओर ग्रीन ही ग्रीन है। सो आज का तो थोड़ा सा दिखा दिया मैंने आपको। अब मैं कल को आपको अपना पूरा व्लॉग दिखाऊंगा, जो भी सरप्राइज मिलेंगे। सो नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे, आज है 13 सितंबर, यानी कि मेरा बर्थडे। सो कल मैं शॉपिंग करने गया था रात को अपने बर्थडे के लिए। सो मैंने कुछ शॉपिंग करी थी और मैं वहाँ पे कैमरे जाना भूल गया, इसलिए मैं वहाँ का कुछ भी शूट नहीं कर सका। सो मैं आपको अभी दिखाता हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। सो पहले तो मैं एक ये टी शर्ट लाया था अपने लिए कल बर्थडे पे पहनने के लिए, जो मैंने आज पहन ली है। और एक ये जींस है जो मैंने आज पहन ली है। और दूसरी टी शर्ट है ये, इसको भी मैं आपको पहन के दिखाता हूँ अभी। दूसरी टी शर्ट है ये। सो ये भी मैंने पहन ली है। अब मैं आपको दूसरी टी शर्ट है ये, एक टी शर्ट ये लाया था मैं, देखो ये वाली। सो इसको भी पहनते हैं। तो ये भी मैंने डाल लिए। तो यही कुछ थे मेरे कपड़े जो मैं लाया था कल। तो अभी टाइम हो रहा है 12:05। मैं रेडी तो हो चुका हूँ। तो अभी बर्थडे है तो कहीं घूमने तो जाएंगे ही। तो अभी हम देखते हैं कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं ऋषिकेश टूर के लिए। तो अभी है मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरे पापा, वो भी निकल तो चुके हैं हम। लेकिन आपको थोड़ी सी ऑटो की आवाज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने मास्क लगा रखा है और मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ऋषिकेश 24 किलोमीटर दूर है, देखते कितनी देर में पहुँचाता है ऑटो। हम ऑटो के अंदर जा रहे हैं अभी ऋषिकेश, देखते कितनी देर में पहुँचते हैं। यहाँ पे देखो दीवारों पे कितनी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। बादल देखो कितने प्यारे निकले हुए हैं। फ्रेंड्स, अभी हम निकले थे 1 बजे और ऑटो ने हमें पहुँचाया है 2:15। हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं फाइनली। और अभी हम जा रहे हैं राम झूला। बहुत गर्मी थी और मैं ऑटो के अंदर थक गया, और ऑटो की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं व्लॉग ही नहीं बना पाया कुछ भी, इसलिए मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। वहाँ पर कुछ भी मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। लेकिन गंगा जी का जल बहुत तेज़ हो रहा है। हमारा प्लान था कि हम बोटिंग करेंगे, लेकिन गंगा जी का जल बहुत तेज़ हो रहा है, इसलिए शायद हम बोटिंग ना करें, प्लान कैंसिल हो सकता है। देखते हैं जैसा भी होता है। अभी तो फिलहाल हम राम झूला जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं राम झूला पे, और यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है गंगा जी का। यहाँ से व्यू देखो, क्या ही व्यू आ रहा है। नीचे गंगा जी और ऊपर पहाड़ी पहाड़, हरे हरे। तो अभी इस समय हम राम झूला पे चल रहे हैं। फुल पे अगर हम एक जगह खड़े रहते तो फुल बहुत जोर से हिलता है।
गाइस अभी मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ जिसमें हम ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन पानी का भाव बहुत ज़्यादा होने के कारण हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे। हम क्या बोट ही बंद पड़ी है वहाँ पे, कोई भी ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा है। सो ये देखो, ये बोट से जिन पे हम ट्रैवल करने वाले थे। फ्रेंड्स बाकी सब तो ठीक है, बहुत अच्छी जगह है ये, लेकिन एक बात मेरे को बहुत बुरी लगी है। देखो कितनी सुंदर जगह का क्या हाल कर रखा है, लोगों ने यहाँ पे कितना सारा कचरा फेंक रखा है। कितनी सुंदर जगह है ये और कितना बुरा हाल कर रखा है इसका। पास से देखते हैं बोट्स को कैसी लगती है। पापा जी तो नीचे उतर चुके हैं, मम्मी हेरी, मम्मी हेरी, पापा जी नीचे उतर चुके हैं, हम भी नीचे चलते हैं बोट्स के पास। हवा बहुत ठंडी चल रही है यहाँ पे गंगा जी की वजह से, लेकिन जो बोट्स में जाने का सपना था वो अधूरा रह गया। बट स्टिल यहाँ से नीचे तो आ चुका हूँ जंप मार के। अब बोट को मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाता हूँ कैसी लगती है बोट। तो देखो बोट को मैं आपको पास से दिखाता हूँ, अच्छी बोट है ये। पहाड़ का व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, और गंगा जी का जल बहुत ज़्यादा आ रहा है इस समय, इसलिए हम बोट में जा भी नहीं पा रहे। और ये है वो पुल जिस पे से हमारे राम झूला, अभी इस पे से ही आए हम। थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया है और अभी मैं मम्मी पापा की फ़ोटो खींच देता हूँ थोड़ी सी। मम्मी पापा देखो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बैठे हुए हैं, ये मम्मी पापा बैठे हुए हैं। अभी नीचे से जाके इनकी फ़ोटो खींच देता हूँ, थोड़ा सा फ़ोटो शूट होता रहेगा। बाकी यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, मेरा बर्थडे पहली बार इतना अच्छा बना है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को पहली बार अपने बर्थडे पे। मतलब हर बार तो घर में केक कटता था, मतलब कभी कभी हम घूमने चले जाते थे बर्थडे पे, लेकिन इस बार का बर्थडे बहुत ही स्पेशल है और मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे हवाएं भी बहुत ठंडी चल रही है क्योंकि यहाँ पे जंगल ही जंगल है और गंगा जी भी है। देखो पहाड़ है और गंगा जी है, तो हवा भी मिक्सचर होके बहुत ठंडी आ रही है। बाकी यहाँ का व्यू देखो आप। सो ये है हमारा उत्तराखंड, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बस मन कर रहा है बार बार इसी को देखते रहो देखते। सो अभी यहाँ पे तो फोटो खिंचवा लिया, फोटो शूट तो पूरा हो चुका है, अब कहीं और चलते हैं घूमने के लिए। रश काफ़ी है यहाँ पे। अभी तो फिलहाल हमें बहुत तेज भूख लगी है, सो इसलिए अभी हम होटल में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। उस होटल का नाम है चोटी वाला, उसके आगे एक आदमी असलियत में बैठा रहता है, जो कि मैं हमें दिखाता हूँ। एक आदमी असलियत में बैठा रहता है। तो आपको याद होगा जब केदारनाथ में आपदा आई थी, कितना भयानक पानी आया था, कितने लोग मरे थे उसमें। सो उसमें एक मूर्ति है यहाँ पे बहुत बड़ी, अब भी गंगा जी का जल जैसे कि मैंने आपको दिखाया कितना तेज हो रहा है, नॉर्मली बहुत कम रहता है लेकिन इस समय भी इतना तेज हो रहा है। और जब आपदा आई थी तो मैं आपको दिखाता हूँ उस मूर्ति के कहाँ तक जल आ गया था, आप सोच के भी हैरान हो जाओगे। देखो ये है गंगा जी और ये मूर्ति, इस मूर्ति के जो है एक कंधे तक, जब केदारनाथ में आपदा आई थी तब कंधे तक जल आ गया था। सोचो अभी कितना नीचे है और उस समय कितना ऊपर आ गया था, कितना डिफरेंस है भाई साहब जल में, कितनी तेज आपदा हुई होगी वहाँ पे। ये जो मूर्ति है इस मूर्ति के कंधे तक जल आ गया था उस समय।
आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जल आया होगा। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति देखो कितने एकदम रियलिस्टिक लग रही है। गुफा के अंदर हनुमान जी है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी मूर्ति है, बहुत ही ज्यादा। आप मेरे साइज से इसका अंदाजा लगा सकते हो, आप मेरे साइज से इसका अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी मूर्ति होती है। मैंने ये चश्मा बाय किया है, कमेंट्स में बताना है कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। बाय द वे हमने अभी सब घूम लिया है, खाना भी खा लिया है, अभी बहुत सब कर लिया है हमने, घूम भी लिए हम अच्छे से। सो अभी घर चलते हैं। बाय द वे पहले रश बहुत था लेकिन अब रश कम हो चुका है। और ये है मम्मी, ये गुड, ये पापा जी, ये हमारा बर्थडे बॉय। सो अभी घर चलते हैं। आओ बाय द वे, बहुत तेज धूप हो रही थी जब हम जा रहे थे तो, लेकिन अब बादल हो चुके हैं, दिखाता हूँ। ये देखो बादल हो चुके हैं, धूप बिल्कुल कम हो चुकी है, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। सो मौसम बहुत प्यारा हो चुका है अभी, पहले तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी, हमें पूरे में पसीना पसीना हो गया था, लेकिन अब हवाएं बहुत तेज़ चल रही है तो अब अच्छा लग रहा है, घूमने का मज़ा आ रहा है। पहले भी आ रहा था लेकिन धूप की वजह से थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था ना, और पहले रश भी बहुत था, अब रश भी थोड़ा कम हो चुका है। जो भी ऑटो था कर लिया है, अब हम चलते हैं अपने घर पर, ऑटो हमें मिल चुका है। और मैं ऑटो में ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाऊँगा क्योंकि ऑटो की आवाज़ बहुत तेज होती है इसलिए। तो अभी मैं आपसे घर चल के मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, घर तो पहुँच चुका हूँ, और जैसा कि हमारा कल का प्लान था कि जो भी लोग मेरे को सरप्राइज़ देने आएंगे मैं कैमरा ऑन करके साइड में रख दूँगा, किसी को शक नहीं होगा कि वीडियो शूट हो रही है, और वीडियो शूट होती रहेगी, ठीक है। तो अभी हम वैसा ही करेंगे। बाय द वे मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, वहाँ से घूम के आया, हम 1 बजे निकल गए थे और आए थे 5 बजे। सो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है, हम वहाँ पे पैदल घूमे थे क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ थी, गाड़ी जा नहीं सकती थी, इसलिए वहाँ पे पैदल ही घूमे, बहुत सारी जगह घूमे। सो आपको व्लॉग में तो देख लिया आपने। सो बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है, तो अभी मैं रात को जल्दी सो जाऊँगा, और व्लॉग भी ये वाला कल ही आ पाएगा 14th August को। सो थोड़ा सा वेट करना व्लॉग के लिए। सो जैसा कि मैंने आपका प्लान था कल का, वैसा ही करेंगे हम।